हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इस वीडियो हम लोग क्लास एट्थ इट्स सो हैपेंड के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा है या फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें चिल्ड्रेन एट वर्क पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो कि वो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? आंसर, वेलू कुड रीड तमिल, वेलू तमिल पढ़ सकता था। बट ही कुड नॉट रीड इंग्लिश, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। When he saw the huge साइन बोर्ड, जब उसने एक विशाल साइन बोर्ड को देखा तो he could not understand what it meant, तो वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। Because it was written in English, क्योंकि उसमें इंग्लिश में लिखा गया था। When the girl pointed at the large building, जब लड़की ने जया ने एक बड़ी विशाल बिल्डिंग की तरफ संकेत किया, पॉइंट किया, इशारा किया, तो वेलू रीड द तमिल साइन, तो वेलू तमिल भाषा पढ़ लिया। ही न्यू दैट, वह जान गया कि द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल, कि वो जो बिल्डिंग है वो सेंट्रल जेल है। सेकंड क्वेश्चन है, If you are not careful, यदि आप सावधान नहीं हो, you will soon be counting bars there, तो आप निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाओगे। The girl said, लड़की ने कहा, जया ने कहा। What is she referring to, तो वह किस बात का जिक्र कर रही है? Answer, the girl was referring to the central jail. लड़की जो जया थी वो जिक्र कर रही थी सेंट्रल जेल का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज, उसका क्या मतलब है जब वह कहती है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि आप सावधान नहीं रहते हो? आंसर, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल डॉट डॉट डॉट, तो द गर्ल मीन्ट, लड़की का मतलब ये है दैट कि ही शुड नॉट गेट कॉट, कि वहीं वह कहीं फंस न जाए। ऑल ही हैड टू डू टू स्टे अवे फ्रॉम जेल, जो कुछ करना है उसे वो ये है कि जेल से दूर रहे, दूर खड़ा हो। ही शुड नॉट डू एनी थिंग स्टूपिड, उसे कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए। एंड गेट कॉट बाई पुलिसमैन, और तो उसे कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए, पुलिसमैन के द्वारा उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। शैतानी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, वो लड़की जो थी जया वो वेलू कहाँ लेके गई? आंसर, द गर्ल लेड वेलू टू श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अ वेडिंग वाज टेकिंग प्लेस देयर, वहाँ पर एक शादी समारोह चल रहा था। शी टुक हिम बिहाइंड द हॉल नियर अ बिग गार्बेज, वह हॉल के पीछे उसे एक बड़े से गार्बेज कूड़े कचरे के ढेर के बिन के पास ले गई। That was overflowing with rubbish, जो कि कूड़े कचरे से, रबिश मीन्स कूड़ा कचरा, से ओवरफ्लो हो रहा था, यानी बहुत अधिक कूड़ा कचरा उसमें था। फिफ्थ क्वेश्चन है, What did they get to eat, उन्हें खाने के लिए क्या मिला? आंसर, वेलू गॉट अ बनाना एंड अ वड़ा, वेलू को एक केला और एक बड़ा मिला।
व्हाइल द गर्ल जया गॉट ओनली वन बनाना टू ईट, जबकि लड़की जया को केवल एक केला खाने को मिला। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड शी डू, उसने कौन सा कार्य किया, वह कौन सा कार्य करती थी। थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, एक शब्द में आंसर सोचिए। आंसर, शी वॉज अ रैग पिकर, तो वह एक कचरा बीनने वाली, कचरा ढोने वाली लड़की थी, रैग पिकर थी। प्रिय छात्रों, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे ऐसी उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।